ये देखो करेटा वाले और भैया की लड़ाई है भैया। रोड रेज जो है दिल्ली में हर जगह मिलता है, देखो हो गई गाली के लोग होगी लड़ाई। ये देखो ये भाई साहब कहीं भी चली जा रहे हैं। अरे भैया थोड़ा आँख खोल के चलो, ये देखो शाबाश, देखो कितनी आगे होके खड़े हैं ये लोग, इनको कौन समझाए कि लाइट पीछे है भाई साहब। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू द इवनिंग मोटो व्लॉग ऑन सिंग राइडर व्लॉग्स। अरे भाई कहाँ को जा रहा है ये रिक्शे वाले भी ना, कहीं भी मुड़ जाते हैं बिना देखे बिना सोचे बिना समझे। तो मैं निकल गया हूँ अब, और आज का टॉपिक होने वाला है ईवी स्कूटर लेना चाहिए अभी के नहीं लेना चाहिए। मैं अभी करंटली ईवी स्कूटर ही चला रहा हूँ, और पिछले दो साल से मैं ईवी स्कूटर चला रहा हूँ, और मेरा अपना कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और अपने रिव्यूज़ देने वाला हूँ कि क्या क्या मैंने अभी तक इसमें स्पेंड किया है, कैसा मेरा चलाने में एक्सपीरियंस रहा है, और क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बात ऐसी है, मैंने ये स्कूटर लिया था 2022 में, और 2022 में अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि शायद ये ईवी स्कूटर लेने का डिसीजन जो था वो बहुत ही अर्ली स्टेज पे ले लिया था मैंने, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास मेरी बाइक तो थी ही, और एक ये था कि डेली कम्यूट के लिए कहीं से पेट्रोल सेव हो जाए, और ईवी बहुत ट्रेंड में चल रहा था, तो हमें ऐसा था कि कोई नई चीज़ जब आती है तो उसको लेने का बहुत एक्साइटमेंट होता है। तो उस टाइम पे हमने फटाफट से, पहले हम ओला के लिए गए थे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, और ओला हमें मिला नहीं था होली टाइम पे, मार्च 2022 में उन्होंने अपना ओला S1 बंद कर दिया था, और ओला S1 के बजाय खाली ओला S1 प्रो अवेलेबल था जो हमें नहीं लेना था। और उसके बाद फिर हमने कुछ एड्स वगैरह देखी, कुछ रिसर्च करी, और उसके बाद जो मैं अभी स्कूटर चला रहा हूँ बॉन्स इन्फिनिटी E1, ये हमें थोड़ा समझ आया। ये उस टाइम पे मेरे को ऑन रोड पड़ा था अराउंड 78,000 समथिंग विद सारी डिडक्शन वगैरह सब्सिडी वगैरह सब होने के बाद। तो इनिशियली कुछ मंथ्स तक तो स्कूटर ठीक था, और फर्स्ट सर्विस हुई, इसकी सर्विस में नॉर्मली बस ग्रीसिंग वगैरह होती है और उसके अलावा और कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा मोटर है कोई ऑयल चेंज या वैसी कोई चीज़ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख रहे हो कितनी जल्दी हो रही है इस टैक्सी वाले को। मेरे को सबसे पहले प्रॉब्लम आई, इसका जो लेफ्ट पैनल था ना उसका कलर जो है वो उड़ गया था, और जब कलर उड़ गया उसका तो मैंने कंप्लेन किया कंपनी को कि भाई ऐसे ऐसे इसका कलर फेड हो गया है। तो देवर लाइक कि सर हम इसको चेंज कर देते हैं, और उन्होंने इसका लेफ्ट पैनल जो था वो चेंज कर दिया उस टाइम पे। ये ट्रैफिक जाम देख रहे हो, ये रोज का है यहाँ पे, और इतना ही ट्रैफिक जाम रहता है इधर। यहाँ से निकलने के लिए आपको एक अलग से टाइम चाहिए, क्योंकि सारा ट्रैफिक इस साइड का, नॉर्थ वेस्ट साइड का इस साइड ही आता है, और आगे जाके मधुबन चौक है जहाँ से वो इधर उधर डाइवर्ट होता है। तो रिक्शे वाले बस वाले, और ये इवनिंग टाइम है ऑफिस टाइम है, लोग इस टाइम अपने ऑफिस से घर जा रहे होते हैं, तो इस जगह पे तो भाई साहब परेशान ही हो जाता हूँ मैं तो रोज़ जब यहाँ से निकलता हूँ। और पहले क्या होता था, यहाँ पे अंदर ना सर्विस लेन ओपन थी, अब सर्विस लेन को क्लोज कर दिया गया है, और इसीलिए बंदा सर जो टू व्हीलर्स वगैरह हैं वो सर्विस लेन से भी नहीं निकल सकते, तो बाहर बाहर से ही सारे ट्रैफिक को जाना होता है। और ऊपर से ये गाड़ियाँ जो लेफ्ट हैंड साइड पर आधी जगह तो ये घेर लेती हैं, और उसके बाद ये फूड आउटलेट्स और बाकी चीज़ें, तो बहुत बुरा हाल है यार। व्हीकल्स रोज़ के रोज़ बढ़ते जा रहे हैं और जगह है नहीं चलने के लिए। तो 35 सेकंड रह गए हैं, देखते हैं हम निकल पाते हैं कि नहीं, ये बस वाला हमें जाने नहीं देगा। निकल जाएंगे आई गेस, यहाँ से निकलते हैं। तो मैं अपने टॉपिक के बारे में बात, ये देखो ये भाई साहब कहीं भी चली जा रहे हैं, देखो लोगों को बिल्कुल ही अक्कल नहीं है यार, कहाँ से सीधा चलना है कहाँ से नहीं, जहाँ मन करेगा वहाँ पे पुता देते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे थे, ईवी स्कूटर, उन्होंने पैनल मेरा चेंज कर दिया, और पैनल चेंज करने के बाद थोड़े टाइम बाद सेकंड प्रॉब्लम मेरे पास आई, जो इसका एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटर इसका स्टक हो गया। क्या होता था कि हम जब भी रेस देते थे तो एक्सेलरेटर रेस नहीं लेता था, अटक जाता था, और उसका रीज़न ये है कि जो एक्सेलरेटर होता है ना और ब्रेक होती है वो मोटर से कनेक्टेड होती है, तो जब भी आप
प्रेस करेंगे ब्रेक्स, वो मोटर कटआउट हो जाती है, पावर जो है उसका कटआउट हो जाता है, और पावर कटआउट होने के बाद आपका स्कूटर चलता नहीं। तो ये कभी भी हो जाता था, हम ब्रेक लेफ्ट, हम जो फ्रंट ब्रेक दबाते थे और वो जो पावर कटआउट कर देता था, उसके बाद हम एक्सलरेट करते थे तो वो होता नहीं था। कंपनी वाले इसको बोलते हैं पावर सिलेंडर करके कुछ। तो उस टाइम पे कंपनी न्यू थी, उनको ये था कि कस्टमर नाराज ना हो, तो उन्होंने उस टाइम पे पावर सिलेंडर भी मेरा रिप्लेस कर दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फर्स्ट कुछ मंथ्स में ही, 4-5 महीनों में ही ये दिक्कत आनी शुरू हो गई थी हमें। ये सामने ट्रैफिक देखो यार, गधे घोड़ों की तरह रेड लाइट दिख भी रही है। एक ये रिक्शे वाले कहीं भी मुड़ जाते हैं, उधर से देखो इसके पीछे गाड़ी वाला आ रहा है, ये स्विफ्ट वाला। मतलब हम लोग कहते हैं जाम है, आधा जाम तो इन बेवकूफ़ों की वजह से है, ये उल्लू के पट्टे कहीं पे भी घुस जाते हैं। जब फर्स्ट सर्विस हमने करवाई, उसमें इन्होंने मेरे से कोई चार्ज नहीं लिया। सेकंड सर्विस आने तक, अरे अब क्या हो गया, अच्छा ये गौ माता हर जगह पे रास्ता रोक के खड़ी हो जाती हैं, हर एरिया में जहाँ मर्जी चले जाओ वहाँ पे गायें ही गायें हैं रोड्स पे। पता नहीं कहाँ से इतनी गायें आ गई हैं, खासकर ये जो करंटली हमारा मानसून गया है, मानसून के बाद तो इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया है, जहाँ जाओ वहाँ पे गायें बीच में खड़ी होती है, और इस वजह से इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्या ही बताएं। इसका जो रेयर टायर था, अराउंड 14-15 हज़ार चलने के बाद इसका रेयर टायर जो है वो हमें चेंज कराना पड़ा, रेयर टायर घिस गया। आई डोंट नो, दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे रोड्स इतनी ठीक ठाक हैं, क्लियर हैं, हमारा कोई ऐसा कच्चा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा ऑफ रोड नहीं है जिसपे टायर ख़राब हो, बट सीएट का टायर 14-15 हज़ार किलोमीटर पे ख़राब हो गया, जो कि मैंने उसके बाद इसको चेंज कराया। उसके बाद फिर एक और दिक्कत आने लगी सेकंड सर्विस के बाद, जब उसने सर्विस करके दी तो आई डोंट नो उसने कैसे रेयर ब्रेक्स कैसे सेट करी, क्या किया, तो रेयर जो मेरा टायर था वो जाम हो रहा था, और रेयर टाइम जाम होते होते उससे क्या हुआ, रेंज ड्रास्टिकली ड्रॉप होने लगी। रेंज ड्रॉप हुई, मैंने कंप्लेन किया, एक बार तो रोड पर ही वापस कहीं से आते हुए मैं घर तक भी नहीं पहुँच पाया, और ऑन द वे ही, ये देखो ऑन द वे ही जो है रेंज खत्म हो गई, और उसके बाद फिर पैर लगा के स्कूटर को घर तक लाना पड़ा मुझे। ट्रैफिक देखो यार इस टाइम कितना ज़्यादा हो रहा, खतरनाक वाला ट्रैफिक होता है यहाँ पर, कोहाट इंक्लेव से लेके आपका मधुबन चौक तक, और आगे की साइड भी मेट्रो बन रही है, तो मेट्रो की वजह से भी इतना ही ट्रैफिक रहता है, और बारिश हो जाए तो और भी ज़्यादा ट्रैफिक भर जाता है यहाँ पे। ये देखिए स्कूटर होने का थोड़ा सा ये फायदा है कि हम साइड से निकल के जा सकते हैं, अरे थोड़ी सी जगह छोड़ दो यार, स्कूटर होने का यही थोड़ा सा फायदा है बस। अरे भैया थोड़ा आँख खोल के चलो, नाचते जा रहे हैं पता नहीं कहाँ पे, और आगे देखो ये रश, फाइनली लाइट ग्रीन हुई है, और हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इस लाइट को क्रॉस कर सके। बहुत रश है, मुझे लगता नहीं है हम यहाँ से निकल पाएंगे, एक और लाइट हमें रुकना ही पड़ेगा, एक और रेड लाइट हो जाएगी इतनी देर में हम रेड लाइट तक पहुँचेंगे। तो क्या लगता है यार, बताओ जल्दी, क्या लगता है हम पहुँच पाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड से तो रास्ता नहीं है, राइट हैंड साइड से देखते हैं निकल पाएँ तो। यहाँ से राइट होके भी हमें ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और बहुत ही ज़्यादा ऊपर से ये बेवकूफ लोग बीच में आ जाते हैं ना आंखें बंद करके, कभी रिक्शे वाले, कभी कार वाले, कभी बाइक वाले, तो लगता है कि हम क्रॉस कर जाएंगे इस बार। पहुँच गया, हो गया, चलो यहाँ पे तो क्रॉस हो गया, वरना यहाँ पर और 5 मिनट हमें रुकना पड़ता। ये देखो कितनी आगे होके खड़े हैं ये लोग, इनको कौन समझाए कि लाइट पीछे है भाई साहब, और आधा ट्रैफिक इन्होंने रोक रखा है यहाँ का। अरे भैया चलो, तो ये थोड़ा सा पीछे हो, ये देखो शाबाश, बड़े बुजुर्ग एक्सपीरियंस लोग भी ऐसे चलते हैं, तो छोटों से तो क्या ही एक्सपेक्ट किया जाए रोड पे। दिल्ली के हालात इतने खराब है, पहले यहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते थे थोड़ा ठीक रहता था, बट पुलिस वाले नहीं होते तो सबको लगता है कि हमारे पापा जी की रोड है, हमने तो रोड टैक्स पे किया, जैसे मर्जी चलो। तो उसके बाद रेंज वाला वो जो प्रॉब्लम आया, रेंज वाला प्रॉब्लम आने के बाद मैं बहुत दिनों तक सफ़र करता रहा, और उसके बाद यहाँ पे एक शोरूम था पीतमपुरा में जहाँ पर मैं सर्विसिंग कराता था स्टार्टिंग में, वहाँ पे लेके गया, उन्होंने 2-4 घंटे लगा के इसको रिजॉल्व किया, और देखो यार फिर से ड्यू टू मेट्रो कंस्ट्रक्शन कितना ट्रैफिक है यहाँ पे।
धीरे धीरे रेंग रेंग के किसी तरीके से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि नीचे का भी ट्रैफिक आ रहा है जो पीरागढ़ी साइड से आ रहा है, और ये वाला ट्रैफिक भी बुरे हालात है। उसके बाद रिजॉल्व हुआ, मतलब ऐसा होता है कि आई डोंट नो, मेरे साथ ही ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या और कंपनी में भी ऐसा होता है कि सर्विसिंग के बाद भी ना कोई एक ऐसी चीज़ रह जाती है जिसकी वजह से हमें सर्विस सेंटर जाना पड़ा। फिर जब मेरी थर्ड सर्विस करवाई इसकी, उसके बाद भी आगे मडगार्ड में कुछ ऐसी फिटिंग वगैरह उन्होंने ठीक से नहीं की थी जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो वो आवाज़ के लिए गया। फिर उसके बाद मेरे को एक प्रॉब्लम आई 2 साल के अंदर अंदर ही, 1.5 साल के बाद, इसके ब्रेक पैड्स इसके घिस गए, और मुझे बताया गया कि इसके जो फ्रंट और रेयर के ब्रेक पैड्स हैं वो हैं अराउंड 1500 रुपये के। अब आप नॉर्मल स्कूटर, पेट्रोल स्कूटर और नॉर्मल बाइक, अच्छी खासी बाइक के भी अगर ब्रेक पैड लगवाने जाएं, मैं अभी अपने RTR का रेयर ब्रेक पैड चेंज करवाया था तो वो अराउंड 370 रुपये में चेंज हो गया था, बट किसी EV के ब्रेक पैड जो हैं वो हैं 1100-1200 रुपये प्लस लेबर चार्ज। तो आफ्टर सेल जो सर्विस है, जो काम है, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है अगर आप कंपेयर करें पेट्रोल स्कूटर से। और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है कि आपके आसपास जो मैकेनिक है वो इसको काम नहीं कर सकता, आपको इसके लिए स्पेशली कंपनी के पास ही जाना पड़ेगा। उसके बाद इसके फ्रंट टायर के जो हैं बेयरिंग होते हैं, जो वो बेयरिंग टूट गए, और बेयरिंग को ठीक कराने का खर्चा भी मेरा अराउंड 1200 रुपये के आसपास आया, इंक्लूडिंग लेबर चार्ज। तो आप टोटल कर लीजिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पेट्रोल तो जो बचा वो बचा, बट उसके अलावा जिस चीज़ के 500 रुपये लगने हैं उस चीज़ के मुझे 1000 रुपये देने पड़े। तो आफ्टर मार्केट आप इसका काम करवा नहीं सकते, क्योंकि अभी लोगों को ईवी की इतनी नॉलेज नहीं है। पेट्रोल स्कूटर होता है तो हम लोग आसपास जाके फटाफट से काम करवा लेते हैं, हमारे आसपास के मैकेनिक भी कर देते हैं, बट इसके साथ दिक्कत ये है कि आपको कंपनी ही जाना है। अब मेरी कंपनी में दिक्कत एक और हुई कि पहले मेरे एरिया में आसपास ही पीतमपुरा में एक शोरूम था जो कि बंद कर दिया गया। अब मुझे सर्विसिंग के लिए ऑल द वे ओखला जाना पड़ता है फ्रॉम रोहिणी, तो अराउंड 40 किलोमीटर यहाँ से एक साइड है। ये देखो करेटा वाले और भैया की लड़ाई हो गई है। रोड रेज जो है दिल्ली में हर जगह मिलता है, देखो वो ही गाली के लोग, जो भी लड़ाई, रोक लो इसको, कैसे गाली दे रहा है ये, देखा ये बड़ी गाड़ी वालों को लगता है हम, बस हमने बड़ी गाड़ी ले लिया, हमारे बाप की रोड हो गई है, गाली दे के जा रहे हैं। गाली ऐसे बर्दाश्त थोड़ी ना होती है, पीछे वो MG एक्टर वाला भी ऐसे घूर रहा था, फिर रुका नहीं, भाग गया वो। तो इस आप रोड पे निकलो 5-10 किलोमीटर भी रोहिणी में, तो आपको ऐसे नमूने बहुत सारे मिल जाएंगे जिनको खुद चलानी आती नहीं होगी और दूसरों को ऐसे फालतू बोलेंगे। जैसे कि मैं आपसे शेयर कर रहा था कि मेरे को 40 किलोमीटर एक साइड जाना पड़ा, एक बार अभी 1.5 साल के अंदर ही इसका चार्जर ख़राब हो गया, तो उस चार्जर को रिप्लेस कराने के लिए मेरे को ऑल द वे जाना पड़ा। अब कंपनी ने एक सहूलियत तो दी है, एक थर्ड पार्टी जो कंपनी है उसको हायर किया है, बट अगर वो आप होम सर्विस उससे लेते हैं तो वो 350 रुपीज़ चार्ज करते हैं जस्ट आने के, उसके अलावा जो आपका काम होगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा अलग से। तो मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन ये है कि जितना प्रॉब्लम्स और जितना दिक्कतें ईवी स्कूटर में परचेज करने के बाद आती है ना, आई गेस पेट्रोल स्कूटर में इतनी नहीं आती हैं, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स आप अपना पेट्रोल डलवाओ, टाइम टू टाइम सर्विस कराओ और चलाओ। बट ईवी स्कूटर के अंदर ये है, अगर कुछ भी वेयर एंड टेयर होता है तो उसके लिए आप तैयार रहो, आपको एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा जो मेंटेनेंस आपकी पेट्रोल स्कूटर की है उससे डबल। और रिस्ट्रिक्शन जैसे इसमें है कि हाँ आप इको मोड के अंदर 40 की स्पीड भी नहीं, 38 की स्पीड पे चल सकते हो, जो मेरे वाले इसमें है। जो अदर स्कूटर्स हैं, एथर, ओला है, उनका हिसाब थोड़ा अलग है, मैं अपने वाले की बता रहा हूँ। और जो आपका पावर मोड है उसके अंदर भी 65 तक चल सकते हैं, पर वही है कि रेंज फिर उसमें कम हो जाती है। अब डिसीजन, अब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ हमने थोड़ा शौक के चक्कर में और थोड़ा हाइप के चक्कर में ईवी स्कूटर चूज़ बहुत जल्दी कर लिया, और मेरा ओपिनियन कुछ ऐसा है कि जब तक अभी जितना आउटसाइड नेटवर्क जो है इसका चार्जिंग का हो गए, स्वैप स्टेशन हो जाए या बाकी चीज़ें हो जाए, जब तक वो डेवलप नहीं होते तो आई गेस आपको अभी ईवी ऑफ नहीं करना चाहिए। ये मेरा 2 साल का ओनरशिप एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। अभी करंटली मेरा तो मानना यही है कि
आपको अभी पेट्रोल स्कूटर पर ही जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, आप लोग ये मत देखिए कि आपका थोड़ा सा पेट्रोल बचेगा, बट जब ये दिक्कतें आने लगेंगी ना तो बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर भागना पड़ेगा अपना टाइम निकाल के, और एटलीस्ट डबल पे आपको करना पड़ेगा। अब और भी कुछ फीडबैक लिए मैंने कुछ कंपनीज के ईवी स्कूटर से, उनका भी यही कहना था कि जब एक्सेलरेटर में कुछ प्रॉब्लम आती है या किसी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो पार्ट अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ऊपर से मेरे ऐसा होने लगा है कि जो टेल लाइट है उसके ऊपर एक पैनल है वो भी क्रैक हो गया है अपने आप ही, क्योंकि फाइबर बॉडी है। तो दिक्कतें कुछ ना कुछ चल रही हैं, और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ईवी लेने का कुछ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहा है। ऐसा ही है कि बस अब ले लिया है, अब चलाना है, और 3 साल की कंपनी ने वारंटी दी है, 3 साल के बाद जो है अगर बैटरी ख़राब होती है, मोटर ख़राब होती है तो सब पे करना पड़ेगा, और बैटरी भी इनकी अराउंड 60-65 हज़ार की है, जितने में अगर आप 30-40 हज़ार रुपये और डालें तो आप एक पेट्रोल स्कूटर ले सकते हैं, या 60-65 हज़ार में कोई प्री ओन्ड बढ़िया कंडीशन का स्कूटर आप ले सकते हैं। इसका नेटवर्क जो है वो होना बहुत ज़रूरी है आई बिलीव, क्योंकि विदाउट नेटवर्क अगर आपको आसपास सर्विस नहीं मिल रही है, कंपनीज जो है ना वो अपने ईवी स्कूटर बेचने के लिए आपको बहुत तरीके के वादे करेंगी, बट वो सारे वादों पे खरे नहीं उतरते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी आई डोंट नो, क्या पता कुछ ओला और जो एथर है वो उन ओनर का जो एक्सपीरियंस है वो अपने स्कूटर के साथ कुछ अलग रहा हो, बट मेरा एक्सपीरियंस कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। चलो भैया, तो आप लोग बताइए यार, अगर कोई भी सब्सक्राइबर ऐसा है जो ईवी स्कूटर यूज़ करता है तो आपका क्या ओपिनियन है अपने व्हीकल के साथ, आपको कितना सफ़र करना पड़ा, या आपका अगर ओपिनियन बहुत अच्छा है तो कौन सी कंपनी है जिसके साथ आपका ओपिनियन बहुत अच्छा रहा है, वो चीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें मेरे साथ, और वो और लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो एक गाय का झुंड देख रहे हो आप, ऐसी गाय का झुंड जो है भरा पड़ा है रोडों पे, और इतनी दिक्कत हो रही है निकलने वालों को, कहीं पर भी अंधेरे में गाय बैठी होती है और एकदम से आप आओ तो आपको सरप्राइज सा मिल जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से चलें। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे अगले ब्लॉग में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई बातों के साथ, किसी और नई ऐसे लोगों के साथ जो रोड पे बेवकूफियां करते हुए दिखते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, राइड सेफ, सिंह राइडर साइनिंग ऑफ, वाहिगुरु ब्लेस।